नमस्कार, मैं शिल्पा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाज में। तो आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य सुर्खियों पे। हार्ड इम्यूनिटी पर WHO की चेतावनी, लोगों में सामूहिक इम्यूनिटी विकसित होने में लगेगा वक्त। दुनिया में 70-80% आबादी में एंटीबॉडीज बनने की जरूरत। IIT खड़गपुर ने बनाया कोरोना टेस्ट के लिए पोर्टेबल डिवाइस। विदेशी छात्रों के लिए अमेरिका का नया आदेश। कहा, जिन नए विदेशी छात्रों का पूरा कोर्स ऑनलाइन हो चुका है उन्हें देश में आने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी, संक्रमित होने वाले पहले मुख्यमंत्री। अयोध्या से योगी की अपील, कहा मंदिर के भूमि पूजन पर 4 और 5 अगस्त को हर घर और मंदिर में दीप जलाकर मनाएंगे दीपोत्सव। आज सुबह 11 बजे PM मोदी करेंगे मन की बात। राम मंदिर निर्माण में 2 करोड़ दान करेगा पटना का महावीर ट्रस्ट। बिहार में कोरोना हर रोज तोड़ रहा रिकॉर्ड, 2803 नए पॉजिटिव केस मिले। COVID-19 संक्रमितों का आंकड़ा 36,000 के पार। बिहार में बाढ़ पीड़ितों के बीच हेलीकॉप्टर से गिराया जा रहा खाना, 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खेल समाचार पर। वेस्ट इंडीज के 59 रन पर 4 विकेट के लिए होप के बाद ब्रुक्स भी पलेवियन लौटे। इंग्लैंड के लिए एंडरसन ने लिए 2 विकेट। हरियाणा करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया घोषणा। गंभीर ने कहा धोनी अगर फिट है तो जरूर खेलना चाहिए, ऐसे किसी को संन्यास के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। आगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे आवाज। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।